एक युवक की चार लोगों ने मिलकर बड़ी बहरहमी से हत्या कर दी। युवक की हत्या पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के चलते हुई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। हत्या का ये मामला सिंगरौली का है। थाना प्रभारी शंकरधर द्विवेदी ने बताया कि गौतम नामक व्यक्ति का अपने मोहल्ले में रहने वाले विष्णु और देवा से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और ये विवाद इतना बड़ा कि विष्णु और देवा ने अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर गौतम की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये सभी आरोपी अलग अलग जगह छुप गए थे। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को तलाश करके उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये ग्रीनट कॉलोनी के रहने वाले हैं गौतम शुक्ला और इनका ईडी के मोहल्ले के कुछ लोगों से विवाद हो गया था। विवाद के चलते वो और उनके साथियों ने मिलकर के लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके रात में गठित किया और साक्ष्य संकलन किया और आरोपियों के नाम पता किए, जिसमें विष्णु स्वीपर, देवा स्वीपर, शंभु स्वीपर और एक स्थानीय महिला है। उन तो लोगों ने मिल करके इनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की, जिससे इसकी मृत्यु हुई। बॉडी का जयंत साइड CHP जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट महान एल्यूमिनियम बरगवां जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विद्युत उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्पित सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन शक्ति नगर जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।